नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में आए दिन चाकूबाजी के मामले सामने आ रही है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से भोपाल पुलिस ने काफी सख्त रवैया अपना रखा है, मगर उसके बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीती रात तलैया थाना क्षेत्र के भाईपुरा इलाके में शिवम बाथम नामक युवक अपने घर के बाहर बैठा था। उसी दौरान अनुप रायतवार उर्फ अनु वहां पर पहुंचा। इस बीच शिवम एवं अनुप रायकवार के बीच कहासुनी हुई। उसी दौरान अनुप रायकवार द्वारा एक धारदार हथियार निकालकर शिवम पर हमला किया गया, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि यह लड़ाई छोटी झील से पकड़ी मछली को लेकर हुई है। इससे पहले भी कई बार मछली पकड़ने को लेकर विवाद हो चुके हैं। एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा का कहना है कि छोटी झील में मछली पकड़ने को लेकर यह विवाद हुआ, पूर्व से ही सोसाइटी में यह विवाद चल रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व में भी इस तरह के लड़ाई झगड़ों के मामले छोटी जिले में मछली पकड़ने को लेकर सामने आए हैं। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा छोटी झील से मछली पकड़ने के ऊपर पाबंदियां लगाई गई है, मगर इसके बाद भी अवैध रूप से वहां पर मछलियां पकड़ी जा रही है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ये हमला किसने किया था? अनुप एक बार उर्फ अनु। क्यों किया था? मैं घर से बाहर निकला, मुझे नहीं पता क्या मामला था, क्या मुझे आज नहीं पहले से ही मेरे पीछे पड़ गए। मुझे इन लोगों से खतरा भी है, जान से हर कभी आए दिन मारने की धमकी देते हैं। सर, थाना तो नहीं है, मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ जिसमें कि एक आदमी को चाकू मारा गया। कल देर रात प्री एमएलसी हॉस्पिटल से प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि शिवम बाथम जो है उसके साथ में चाकूबाजी की गई है। संपूर्ण तत्वों को जुटाया गया, जिसमें से पता लगा कि पंचायती चबूतरे पे शिवम बाथम बैठा हुआ था, जिसमें से आरोपी अनुप रेकवा जब उसके साथी के द्वारा आकर के गंदी गंदी गालियाँ दी गई और किसी नुकीली चीज़ से उस पर हमला किया गया, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसके मूल कारण में यही आ रहा है कि जो छोटा तालाब है, छोटी झील है, उसमें मछली पकड़ने पर से पूर्व से भी वहाँ पर सोसाइटी में विवाद चल रहा है और उसका मूल कारण यही है। वो सारी तस्दीक की जा रही है। क्या कारण है यहाँ पे रोक ही लग पा रही है तालाब में मछली पकड़ने में? इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं इसको लेकर। वो राजस्व विभाग का मामला है और वो उस पर निर्णय करेंगे क्या है। बीच बीच में बहुत सारे ज्ञापन दिए गए हैं, सारी वस्तु को संज्ञान में लिया गया है, सारे लोगों को लगभग बाउंड ओवर कर दिया गया है कि इनमें आपस में विवाद नहीं हो। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसका पालन करें, तो उसी चीज़ निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और जो लोग बचे हुए उनके खिलाफ भी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।